रहा है, सुनिएगा। विराजमान हमारी कमेटी के सदस्य, पधारे हुए जितने भी झिकड़ी के प्रेमी श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी एवं माता अनुसुईया सती सावित्री जैसे पतिव्रत धर्म में पलने वाली मातृशक्ति बहनाएं, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम सब। बंधुआ, आपके बीच में सभी कलाकार बारी बारी से अपनी अपनी प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं। एक से बढ़कर के एक कलाकार है। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा कलाकार समझता हूं, लेकिन सुनिएगा, कहते हैं कवियों की कविताएं गायकों की गायकी अलग अलग हुआ करती है। कवि ने कलम को उठाया, चार लाइनों में लिख दिया, भैया जी क्या लिखा है, सुनिए। भैयन में फूट पड़ी सुग्रीव की नार हरी, प्रभु से जी प्रीत जोड़ी बाली मरवायो है, लंका पति रावण ने कितनो गुमान कियो, बात भैयन की न मानी नास बंश को करायो है। कहते हैं अहंकार, अहंकार नाश की जड़ होती है। कहा है हो दुर्योधन राजा जाने भैयन से बैर कियो, और दो दल जूझ गए पीछ पछतायो है, कहत कवि गोरे लाल मन में विचार करो, भैयन से बिगार कहो कौन सुख पायो है। समय बहुत कम है, काम ज्यादा है, आइए सीधे सीधे प्रसंग की तरफ चलेंगे, क्योंकि कमेटी की फरमाइश, कमेटी का कहना शुद्ध जिकड़ी। आइए गौर दीजिएगा, मेरा प्रसंग चल रहा था जरासंध के जन्म की कथा। कौन धर्मराज? युधिष्ठिर बार बार पूछते हैं, प्रभु बताइए वो योद्धा कहां जन्मा। भगवान ने बता दिया, सुनिए, बृहद्रथ नाम के राजा थे और उनके कोई संतान नहीं है, बड़े दुखी हैं। लेकिन एक दिन कुछ संत दरवाजे पर पहुंच गए। आहा, राजा के मन में संतों के प्रति बड़ा आदर है, बड़ा भाव है। आज संतों को जैसे ही दरवाजे पर देखा, आहा, दोनों रानियों को साथ में लिया, संतों के पास में पहुंच गया। कहा है संत शरण में आ गए तीनों, संत शरण में आ गए तीनों, गिरे चरण भैर आई है, आई है सो इच्छा जान संत ने सारी। कहते हैं संत तो घट घट के जानने वाले होते हैं, इच्छा जान संत ने सारी, अजब करिश्मा किया एक फल राजा को दियो। झोली में से फल निकाला, राजा के हाथ में दे दिया, राजा इस फल को अपनी रानियों को खिला दो, इससे यहां तुम्हारे यहां पुत्र का जन्म होगा। आहा बंधुओं, आज राजा ने फल को बांट दिया है किस तरीके से, सुनिए। हेरे करके फारा और भूपने फल को बाटी बराबरी,
दिया है और दौरानी पास और दौरानी पास हे रे बुलाए रे खिलाए जाने दियो है प्रभु की लीला जान न कोई पायो है और हरी कहे हा हरी कहे नानू को राजा फूलो नाय समायो है हरी कहे नानू को राजा फूलो नाय समायो है लेकिन कभी ने उपदेश में लिख दिया भैया जी ये 51 रुपए का पुरस्कार पुरस्कार हमारे नाम राशि अमर सिंह जी दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद कहा है कि जो देता दुख गरीबों को हो जो देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं जो करता मदद गरीबों की धनवान उसी को कहते हैं जो गिर करके भी संभल जाए जो गिर करके भी संभल जाए इंसान उसी को कहते हैं जो पार लगा दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं जो पार लगा दे नैया को भगवान कैसी प्रबल प्रभु की लीला कैसी प्रबल प्रभु की लीला जान न कोई पाया है कैसी प्रबल प्रभु की लीला भूप हृदय हर्षाता है पता नहीं कब क्या हो जाए जान न कोई पाता है सो मान रहो एहसान संत में मान रहो एहसान संत में गुनगुनाए भूलू तेरा अरे तने वंश चला दिया आहा मैं आपका एहसान मंद हूं आज संतों की कृपा से घर में पुत्र आने वाला है बड़े ही राजा के महलों में खुशियां आने वाली हैं इसलिए सब खुशी हो रहे हैं मगन हो रहे हैं लेकिन बंधुओं खुशियां तो आ रही हैं लेकिन वो खुशियां दुख में बदलती हैं किस तरीके से सुनिए आज दोनों रानी गर्भवती हैं जिकड़ी में बारहमासी आ रही है और क्या लिखा सुनिए पूरे भय नौ मास पूरे भय नौ मास और महक रहे महलन मेरे गेंदा
गेंदा। लेकिन हुआ क्या, हे रे आधो आधो, अरे आधो आधो कुमार भैया तू गत नहीं जानी है रे प्रभु की, गत नहीं जानी है बंधुआ, उस भगवान की लीला का कोई पार नहीं पा सकता। रे प्रभु की गत नहीं जानी है, प्रभु की गत नहीं जानी है, अरे देखो अर्धा देखो अर्धा देखो अर्धा शरीर दुखी भई मन में रानी, ओ देखो अर्ध शरीर दुखी भई मन में रानी है। लेकिन कहा तसल्ली ना आवे मन को रे, तसल्ली ना आवे मन को, तसल्ली ना आवे मन को। आज रानी मन में सोच रही है, अरे तसल्ली ना आवे मन को। और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री समंदर बाबू दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। तसल्ली ना आवे मन को, हेरे लिखो कहा लीलार ठोकी रही अपने कर मन, लिखो कहा लीलार ठोकी रही अपने कर मन को। दुख रही नारिन की पासू रे, दुख रही नारिन की पासू,